ग्राम विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि आदिवासियों के हक के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद संघर्ष कर रही है। आज आदिवासी समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है। दो कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री आदिवासी हैं। गोवा में भी समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद वे पत्र परिषद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हक के लिए संघर्ष शुरू रहेगा। आगामी नवंबर दिसंबर में देश का सबसे बड़ा आदिवासी सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान सोमजी डामोर, मुतकर राव बिजड़, शिवाजी राव मोघे उपस्थित थे। और ये उसी वक्त कम थे, लेकिन आज 15 करोड़ आदिवासी देश में है। इन सभी आदिवासियों को हमारे संविधान में दिए हुए अधिकार, यह हमारा जो भी राइट है, जंगल का हो, पानी का हो, किसी का भी, जो हम लोगों को जो अधिकार मिला है, इसके लिए सभी हमारे 15 करोड़ आदिवासियों को हम जागृत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बोगस आदिवासी यह अनेक राज्यों का मुद्दा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में यह समस्या गंभीर है। बोगस आदिवासी की जांच कर कार्रवाई का अधिकार राज्य सरकार का है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बोगस आदिवासियों पर बंदी लगाई गई है। बोगस आदिवासी साबित हुए कर्मचारियों को केवल 11 महीने के ठेके पर रखा जाता है, ताकि प्रशासकीय कार्य में अड़चन न हो। देश के आदिवासी बाहुल्य 177 जिलों में एकलव्य आदर्श विद्यालय शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। आदिवासी पाड़ा में विद्यार्थियों को CBSE माध्यम की शिक्षा दी जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।